आखिर जिला प्रशासन गंभीर क्यों नहीं? आम आदमी के लिए जहरीले हुए पानी के लिए जल विभाग ने कोई कदम क्यों नहीं उठाए? आखिर ऐसी कोई एडवाइजरी क्यों जारी नहीं हुई? आखिर जानकारी मिलने के बाद भी रोकथाम के इंतजाम क्यों नहीं हुए? हरनेक सिंह, जी मीडिया, श्रीगंगानगर। और अब आपको ग्राउंड जीरो से हालात दिखाते हैं, जहां नहर की स्थिति का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता हरनेक सिंह ने। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में नहरों में बंदी के बाद जैसे ही नहरों में पानी आना शुरू हुआ है, तो कल से पंजाब से जो पानी राजस्थान की गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा गया है, वो बिल्कुल विषीला पानी, जहरीला पानी पंजाब से छोड़ा गया है, जो आज अभी राजस्थान की नहरों में प्रवेश कर चुका है। इस वक्त मैं गंग नहर की करनी जी वितरिका में खड़ा हूं और आपको कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो नहर के अंदर पानी आया है वो बिल्कुल काले रंग का जहरीला पानी है और इसको पीने से कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इंसान को लग सकती हैं। मैं आपको ये दिखाता हूं कि आप देखिए, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल काला पानी है ये, इसको पीते ही आप शायद किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो पानी आया है क्या ये स्वास्थ्य के लिए सही है या कैसे। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, आज जो ये नहर में, गंगा नहर में पानी आया है, कैसा कैसा पानी है ये? सर, ये बहुत जहरीला पानी है और इस पानी से बीमारी फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और सर जब तक ये फिल्टर नहीं होगा तो ये पानी पीने के लायक नहीं है। जैसा कि अभी एक और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी, ये पानी है, हम लोग गरीब आदमी है, ये गंदा पानी आता है, हम लोग बीमारी लग जाती है, हमारे बच्चे हैं थोड़े, नहर पे रहते हैं हम। राजस्थान जैसे प्रदेश में पहले ही पानी की कमी है, पानी की डिमांड होती रहती है जनता की तरफ से, लेकिन जो पानी है वो भी गंदा है। कुछ ऐसे में अहम सवाल हैं, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ मूक दर्शक बना रहेगा प्रशासन, कोई कदम नहीं उठाएगा? अगर पानी में घुल गया है जहर, तो आप पीने के पानी की क्या व्यवस्था? क्या खेती के लिए यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा? अगर नहीं तो फिर किसानों के लिए क्या व्यवस्था है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। कुछ यही स्थिति हनुमानगढ़ जिले की भी है। हनुमानगढ़ से जी राजस्थान की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। बहुत ही दूर तक नहीं जा नहीं सकते क्योंकि सिर्फ लोगों के लिए ही, ये लोगों को ही सिर्फ ये पानी बीमार नहीं कर रहा, बल्कि जीव जंतु वो भी मर रहे हैं इस पानी को पीकर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जहरीला ये पानी होगा, और इसी पानी को पीकर लोग प्यास बुझाते हैं। इसी जहरीले पानी को साफ पानी समझकर जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो इस पानी को पीते हैं, या मैं यूं कहूं जब वो इस जहर को पीते हैं, तो क्या उनकी स्थिति हो जाती है, कैसे उनकी दुर्गति हो जाती है, तस्वीरें बयां कर रही हैं पूरी स्थिति। इस पानी में लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, जानवरों की जान ले सकते हैं। और स्थिति ऐसी खराब है, ये जो लेड, कैडमियम और आर्सेनिक के बारे में मैं आपको बता रही हूं, बड़ी बात यह कि ये फिल्टर्ड भी नहीं हो सकता पानी, ये ऐसे रसायन है और इसी पानी का लोग सेवन करते हैं। सवाल यहां पर यह बढ़ा है कि सरकार या प्रशासन मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? पंजाब से अगर ये पानी आ रहा है तो पंजाब सरकार से क्यों समय पर बात नहीं हो रही है? कुछ यही स्थिति हनुमानगढ़ जिले की है। हनुमानगढ़ से जी राजस्थान की रिपोर्ट आप देखिए। इसको आप पीने या सिंचाई की दूर की बात है, इसके पास भी आप खड़े नहीं हो सकते, इस पानी की समय ये हालत है। सुना आपने, देखा आपने, ये डराने वाले दृश्य हनुमानगढ़ के। पंजाब के ब्यास नदी में बहा लाखों टन शीरा अब राजस्थान की नहरों में आ रहा है। बताया जा रहा है कि पंजाब की चड्डा शुगर एंड वाइन मिल के टैंकों में रखा लाखों टन शीरा बुधवार रात को ब्यास नदी के पानी में बह गया। इससे नदी के पानी का रंग काला हो गया और नदी के पानी में गंदगी मिलने की वजह से लाखों जीव जंतु और मछलियां मर गई। बताया जा रहा है कि ये शुगर मिल पंजाब के किसी बड़े नेता की पार्टनरशिप में,
और शायद इसी वजह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सर पंजाब से गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल, हम डाणी में रहते हैं, नहर के ऊपरी डाणी है, पीने के तक वजह हम 4 दिनों से पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं, और 3 दिन से पड़ोस के गांव से पानी लेकर आ रहे हैं और फिर पीने के लिए पानी सप्लाई कर रहे हैं सर। अब ये व्यास नदी का पानी हरी के बैराज से होते हुए राजस्थान फीडर के जरिए यहाँ पहुँच गया। राजस्थान फीडर जिसे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, और ये नहर राजस्थान के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। लेकिन इन दिनों ये नहर पंजाब के गंदे पानी की वजह से लोगों की मौत का कारण बन रही है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस नहर के पानी की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो गई। बताया जा रहा है कि नहर के केमिकल युक्त पानी में लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे रासायनिक तत्व घुल कर आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते जा रहे हैं। अगर ये पानी पीने को मिलेगा या पिया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ियों का, नस्लों का क्या हाल होगा। इससे कैंसर तो है ही है, निश्चित मौत है इस पानी को पीने से अगर कोई पीता है। राजस्थान की नहरों में अभी भी बड़ी मात्रा में मृत मछलियां बहकर आ रही, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आमजन से जुड़े इस मुद्दे पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को प्रसंज्ञान लेना चाहिए और हालात सुधारने के लिए निर्देश देना चाहिए, जिससे कि आमजन की जान के साथ खिलवाड़ न हो सके। अब कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को जरूरत है कि हायर लेवल पर बातचीत हो, ताकि जो इतने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उससे बचा जा सके। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ विक्रम सिंह, जी मीडिया, हनुमानगढ़। पानी जिंदगी देता है, लेकिन ये पानी लोगों की जिंदगी को ले रहा है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अमरीक कौर, भाजपा प्रदेश मंत्री, मेरे साथ जुड़ गई हैं। अमरीक जी, आपका स्वागत है। अमरीक जी, स्थिति बहुत खराब है। पानी जो जिंदगी देता है, पानी जिंदगी ले रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग मैम? जी पहले तो जी संवाददाताओं को मेरा नमस्कार, प्रदेश मंत्री अमरीक कौर बोल रही हूँ। और जो पानी की समस्या बताई है आपने, निरंतर ये काफी समय से चल रही है, 15-20 दिनों से गंगानगर में, इसका निरंतर तरीके से, इसका पूरे तरीके से इसका हम लोग छानबीन कर लिए हैं। और सेंट्रल सरकार, हमारे माननीय अर्जुन मेघवाल जी भी अभी हमने कल बुलाया था उनको, और उनसे मिलके इसका विज्ञापन भी दिया है। और हमारी सरकार, हम लोग ने व्यक्तिगत मैंने इस चीज को लेते हुए सरकार के माध्यम से ये चीज को हमने फॉलो किया है और इसका समाधान तुरंत प्रभाव से किया है। अमरीक जी, क्या मैं सही सुन रही हूँ कि ये समस्या 10 से 15 दिन पुरानी है? मेरे सुनने में कुछ और आया था। जी जी नहीं, 10-15 दिन से ज्यादा नहीं है, 10-15 दिन से हुई है, लेकिन एक बार पहले भी हो चुका था। उसको हमने राजस्थान की सरकार ने इसको पंजाब सरकार से पहले भी अपडेट करवाया है। वहाँ की जितनी फैक्ट्रीज का पानी गंदा होता है, केमिकल्स का पानी जो गंदा हो रहा है, वो जानबूझकर हमारे इधर शीरे का पानी मिक्स करके ये इधर भेज रहे हैं, जो हमारे लिए जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जानबूझकर आप कह रही हैं, जानबूझकर आप कह रहे हैं, उनका उनकी सरकार को व्यक्तिगत पता है, ये व्यक्तिगत पता है कि हमारे कांग्रेस की सरकार वहाँ पे राजनीति मत कीजिए मैम, सुनिए मेरी बात। और बीजेपी की सरकार को तंग करने के लिए इस तरह का कर रहा है। नहीं सुनिए, कुछ राज्यों में बची हुई पार्टी और आधे से ज्यादा देश में जो पार्टी राज कर रही है, उसको कैसे परेशान कर सकती है? सियासत मत कीजिए मैम। मैं बिल्कुल सियासत, पंजाब सरकार से आपने बात की इस बाबत? पंजाब सरकार से आपने इस बाबत बात की? अमरिंदर जी से बात हुई? जी एक बार प्लीज दोबारा रिपीट करिएगा। पंजाब सरकार से इस समस्या को लेकर बातचीत आपने की कि भाई जानबूझकर हमारी जनता को यहाँ पे परेशान क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम, हमारी बातचीत उनसे जारी है और उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि इस पे हम अपनी कार्रवाई को करेंगे। अगर दोबारा से उन्होंने ऐसी गलती की, हमारी सरकार और ये कांग्रेस सरकार मिलकर एक्शन लेना चाहते हैं। अगर फिर भी कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ कोई सहमति नहीं की, तो हमने सेंट्रल सरकार से अपने नुमाइंदे भी एक बड़ी लेवल पे कैबिनेट मंत्रियों की एक मीटिंग लेके और साथ में प्रशासन को लेके ये इस पे कार्रवाई करने के लिए उचित निर्णय लिया है। समय दिया होगा कुछ निपटारे के लिए? आप कह रहे हैं अभी बात चल रही है, उसके लिए हमने अपनी व्यक्तिगत तरीके से हमने अपने समय तय कर लिया कि एक आधे दिन में हमने इसको फाइनल कर देना, क्योंकि इसमें हमारी एक्टिविटीज हमारी चालू है। कल भी हमारे जल संसाधन मंत्री अर्जुन मेघवाल जी आए हुए थे गंगानगर, बड़े स्थल पे इसको चेकिंग किया गया है, जजमेंट की गई है, और जजमेंट करने के बाद इस पे एक्शन लिया गया है। इसका मुद्दा हम सेंट्रल सरकार में भी रख रहे हैं और राजस्थान सरकार में बड़े उच्च
बोलते हैं बना हुआ। नहीं ठीक लग रहा है मुझे सुनकर कि आप लोग एकदम से एक्शन में आ गए हैं। थोड़ा अगर पहले एक्शन में आ जाते ना मैम, तो जो लोगों की मौतें हो रही हैं या लोग इस लेड आर्सेनिक कैडमियम वाले पानी को पी करके कैंसर पीड़ित हो रहे हैं वो शायद तस्वीर सामने ना आती। जानवर जीव जंतु जो मर रहे हैं वो तस्वीर सामने ना आती। अमरीक जी आप रहिए मेरे साथ। सुखदेव सिंह बराड़ कांग्रेस किसान खेत मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष मेरे साथ हैं साधुल शहर से। सुखदेव जी साधुल शहर में भी स्थिति वही है। अमरीक जी से मैं बात कर रही थी भाजपा प्रदेश मंत्री से, वो कह रही हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वो जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं, गंदा पानी इस तरफ भेज रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गंदा पानी तो बहुत टाइम से पीछे 10 साल इनकी सरकार रही है बीजेपी की, तब भी आ रहा हूँ, लेकिन वो पानी जा रहा होता था उसमें मिक्स हो गया। अमरीक जी तो कह रही है 10-15 दिन पुरानी बात है ये, तो 10-15 दिन से ऐसा होने लगे। नहीं ये तो बहुत यहाँ के बहुत आंदोलन हुए हैं इस बात के, 4 साल तो मैं गवाह हूँ इस बात के। कांग्रेस की तरफ से हमारे वहाँ जा के लोगों को कहे कि ये गंदा नाला जो बूढ़ा नाला जो लुधियाना का है वो इसमें डल रहा है और पानी तो बहुत पुराना है इसमें गंदा डल रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार ने किसानों को ये जो मेन पानी आ रहा था वो बंद करवा दिए इन्होंने यहाँ पे रिपेयर के चक्कर में, और उस पानी की पूर्ति के लिए इन्होंने ये पानी इधर छोड़ा, अदरवाइज ये पानी पाकिस्तान में जाता था। सुखदेव जी एक और अहम बात, जिस चड्डा मिल से ये शीरा पानी के अंदर आ रहा है और पानी गंदा हो रहा है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो पानी वो आ रहा है अब तो पीछे कैप्टन साहब का ये वहां से ये आ भी गया है कि हमने 24 घंटे के अंदर अंदर पीछे भाखड़ा से डैम से पानी ज्यादा रिलीज कर दिया गया है और अब पानी साफ हो भी रहा है। वो पंजाब सरकार ने ज्यादा पानी रिलीज करवाया यहाँ से, इनके इंडेंट दिए वैसे भी ज्यादा पानी छोड़ा वो कि ये पानी जल्दी से जल्दी जो आगे निकल जाए और पीछे पानी साफ आ जाए। सुखदेव जी पानी साफ अगर होता ना तो शायद ये मछलियां जितनी हम अनगिनत जिसकी हम शायद गिनती नहीं कर सकते मर रही हैं जहरीले पानी को पीकर। नहीं है ये सरकारों का मामला कहाँ से आ गया, कांग्रेस बीजेपी का क्या है, ये मैटर नहीं है। ठीक है सुखदेव जी, तो मैटर ये है कि ये तो पिछले 10 साल वहाँ पे। ठीक है सुखदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरीक जी सुखदेव जी की बात आप सुन रही होंगी, सुखदेव जी कह रहे हैं 10 से 11 साल पुराना मामला है ये और आप बता रही हैं 10 से 12 दिन का पुराना मामला है ये, कम से कम मैम झूठ तो मत बोलिए एक चैनल पर। नहीं देखिए मैम मैं ये जो बात कह रही हूँ जो आज की लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में हम कह सकते हैं, उससे पुराना क्या है क्या नहीं है। अगर इतना पुराना होता तो बताइए कि आप किसी कोई भी सरकार इस तरह की बेरुखी या इस तरह की गलत चीजें बर्दाश्त कर सकती है, या अगर इस तरह का माहौल होता। देखिए अमरीक जी पंजाब सरकार से आप बातचीत बरकरार रखिए और इसकी इस समस्या का फटाफट से हल निकालिए क्योंकि लोगों की जान भी जा सकती है। ठीक है बिल्कुल ठीक है, और अगर सरकारें नहीं सुनती हैं, सरकार अगर आपकी बात नहीं सुन रही है केंद्र सरकार पर आप दबाव बनाइए, वहां भी अगर आपकी नहीं चल रही है आप कोर्ट जाइए, लेकिन इसका कुछ समाधान निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीक जी हमारे साथ। मैं खुद गई हूँ इसके लिए। ये बहुत अच्छा आपने किया, आप खुद गई हैं लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा मैम मुझे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब से निकला हुआ पानी अब जैसलमेर में कहर बरपा रहा है। इस जहरीले पानी से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। नहर विभाग पानी रोकने में नाकाम है, वो कुछ करने के बजाय सिर्फ वादे और दावे पर काम कर रहा है। पानी पानी में फर्क होता है, पानी जिंदगी देता है तो पानी जिंदगी छीन भी लेता है। इन मरे हुए जानवरों को देख रहे हैं ना, इनकी मौत प्यास ना बुझने से नहीं प्यास बुझाने से हुई है। इन जानवरों ने जिसे पानी समझकर पिया अफसोस वो जहर था, यकीन मानिए वो पानी की शक्ल में जहर था। पंजाब की फैक्ट्री से आया जहरीला पानी जानवरों की जान पर भारी पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि ये जहरीला पानी पंजाब से होते हुए श्री गंगानगर और अब जैसलमेर पहुंच गया है। नहर विभाग की लापरवाही तो देखिए, वो सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक ही सीमित है। वो पानी आ रहा है तो जो हमने इसको टेस्ट भी कराया है, एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने तो कहा है कि एग्रीकल्चर के लिए तो नुकसान दे नहीं है, परंतु चूंकि इसमें स्मेल है जो पीने के लिए अपन यूज नहीं कर सकते और उसका कोई ट्रीटमेंट भी इतनी जल्दी नहीं हो सकता, फिर दूसरा क्वांटम भी इतना ज्यादा नहीं है जिसके लिए ज्यादा एक्सरसाइज की जाए,
10-12 घंटे का पानी है, उसको हम रिलीज कर देंगे एस्केप में, और जब तक 10-12 घंटे हम पीने के पानी की सप्लाई को डिस्कनेक्ट रखेंगे मेन कैनाल से। पूरे जिले में अब इस पानी को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कहा जा रहा है कि जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह पीने लायक नहीं है, लोग ये पानी पीने से कतराते हैं। हालांकि जलदाय विभाग इस पानी के साफ होने का दावा कर रहा है। सवाल है कि श्रीगंगानगर में ही इस पानी को क्यों नहीं रोका गया? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर। और अब आपको इस पूरी परेशानी की जड़ चड्ढा शुगर मिल के बारे में बताते हैं, जो पंजाब के गुरदासपुर में है। गुरदासपुर के गांव कीड़ी अफगाना में चड्ढा शुगर मिल जब स्थापित हुई थी तो पिछड़े इलाके को लगा कि उसकी तस्वीर बदल जाएगी, रोजगार मिलेगा, जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे, वो मालामाल हो जाएंगे। लेकिन समय बीता तो मिल से निकलने वाला गंदा रसायन पानी को जहरीला करने लगा। आज कोई आंखों की रोशनी गंवाने का दर्द सुना रहा है, कोई लाचार होकर चारपाई पर पड़ा है। इसके लिए लोग चड्ढा शुगर मिल को दोषी मानते हैं और मिल पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साह दी बीमारियां, स्किन की बीमारी, जड़ियां बच्चों नूं, बुजुर्गों नूं बहुत मुश्किल आ रही है। पानी जड़ा वो पानी कारण तो सारा ही यदा मिल की वजह ना हो रहा, जी नजदीक इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्री की वजह के नाल उन्होंने पूरे प्रकाशन नहीं ले, जिदे नाल पानी जड़ा दिनों दिन गंदा हो हुंदा जा रहा। बहुत ही ज़्यादा स्किन दीआं बीमारियां बच्चों बुजुर्गों हो रही ने, नौजवान भी अपना अंदर लुके गुजारा कर रहे ने, बाहर सौना भी मुश्किल हो गया। रही गल पानी की, पानी इन्ना के खराब हो गया कि पीण योग नहीं रहा। महकमे को सरकार को पुरजोर मांग करते हैं कि जिहड़ा दरिया दे विच पानी पाउंदे ने वो बिल्कुल ना पाउण दिता जाए। डॉक्टर भी मानते हैं कि दवाई तभी असर करेगी जब पानी और हवा शुद्ध होगा। डॉक्टर भी गांव में बीमारियों की जड़ गंदा पानी और दूषित वातावरण को बता रहे हैं। शुद्ध वातावरण एक वधिया जिंदगी वास्ते चाहिदा हैगा है, पर इत्थों दे वातावरण बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। पानी ते इत्थों ज़्यादातर जिन्ने भी बीमारियां ज़्यादातर पानी नाल अफेक्टड होके ही आ रही ने, जिदा गुरदियां का खराब होना, सार रोग, चमड़ी रोग। लोग बीमार हो रहे हैं, वातावरण का नुकसान हो रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन इस खबर से खुद को अनजान बता रहा है। वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। पिंड का जोड़ा वो तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता है जी, असी पिंड जोड़ा पानी का वो लेवल असी चेक कर। और इसी पर हम और जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, फॉर्मर फिजिशियन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ में जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहसिन जी, पानी है, पानी में लेड है, पानी में आर्सेनिक है, पानी में कैडमियम है, रासायनिक पानी है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई इस पानी का सेवन करता है सर, तो क्या दिक्कतों से दो चार वो हो सकता है, क्या बीमारियां उसे लग सकती हैं, कैसे परेशानी बढ़ सकती है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो जहरीला तत्व है वो है आर्सेनिक जी, उसके बाद लेड है। लेड की पॉइजनिंग जो है वो एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह की होती है। सबसे ज्यादा इस पानी को पीने से जो है पेट में दर्द होगा जी, उसको लेड क्रैम्प्स कहते हैं जी, और बच्चों को ये बहुत नुकसान दे है, बड़ों को भी बहुत नुकसान दे है। हाँ। और क्रोनिक लेड पॉइजनिंग में हार्ट, नर्व्स, ब्रेन, नाखून, स्किन, पेट के आंखें, लीवर, गुर्दा जी, ये सब अंग प्रभावित होते हैं। आर्सेनिक से सबसे ज्यादा जो है ब्रेन प्रभावित होता है, नर्व प्रभावित होती है, किडनी लीवर भी प्रभावित होता है, स्किन और नाखून के अंदर आर्सेनिक एक्सक्रीट होता है। कैडमियम से भी जो है लेड की तरह से नुकसान होता है जी, जिसमें लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, नर्व है। ये सब जहरीले तत्व है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तत्व की मात्रा ज्यादा है। ठीक ठीक ठीक। बहुत से बच्चे इस पानी को पीते उनको उल्टी आएगी। अच्छा, ठीक है। पेट में दर्द होगा। ठीक है। और दौरा भी कर सकता है।
डॉक्टर साहब, अब ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसी चीजें हैं जिस जो बताया जा रहा है कि पानी पानी से फिल्टर भी नहीं हो सकती हैं, तो देखिए लोग तो मजबूर हैं, लोग मजबूर हो रहे हैं इस पानी को पीने के लिए। हाँ, एक बार ये पानी में मिल जाता है ना, हाँ, तो आपने सुना होगा आर्सेनिक का कैंसर में बंगाल में बहुत आर्सेनिक का बहुत ज्यादा है, लोगों जाती है, लीवर और किडनी मर जाती है क्रॉनिक पॉइजनिंग। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा तादाद में मुझे लगता है, कुछ आप प्रोग्राम करेंगे पंजाब वगैरह में जो हुआ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की मिलावट है। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, बहुत डरने वाली बात है, और जाहिर है लोग डरे भी होंगे, क्योंकि अभी कुछ लोगों की बात मैं सुन रही थी, कोई कह रहा है कि आंखों की रोशनी चली गई, कोई कह रहा है कि ब्रेन की वजह से, और बिल्कुल डॉक्टर साहब कोई ये कह रहा है कि वो बेड रिडन हो गया, बताइए उसमें पैरालिसिस भी होता है ना नर्व से। हाँ जी, नर्व से पैरालिसिस हो सकता है, माइल्ड केसेस में जो है वो बहुत चक्कर वक्कर आते हैं, लेकिन जब बहुत दिन तक ये पानी पिया जाएगा ठीक सर, तो फिर पैरालिसिस हो सकती है, दौरे आ सकते हैं, कन्वर्जन हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ जुड़े थे, फॉर्मर फिजिशियन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सी बातें उन्होंने बताई और ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ये जब मामला सबसे पहले जलदाय विभाग के संज्ञान में आया था, जलदाय विभाग की तरफ से दावा किया गया था कि हम इसकी सफाई करवाएंगे, जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई थी, लेकिन शायद जिम्मेदारी को तरीके से निभाया नहीं गया है, शायद उन अधिकारियों पर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।